एक शहर में अनीता नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वह बहुत ही समझदार थी लेकिन पैरों से अपाहिज थी। अनीता रोज सपने देखती थी कि वो डांस कर रही है, भाग रही है, पर जब उसकी नींद खुलती तो उसे अपने अपाहिज होने का बहुत दुख होता। अनीता अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानती थी, जैसे सब्जियां खाना, होमवर्क पूरा करना, पौधों को पानी देना। इसीलिए अनीता उनकी बहुत लाडली थी। मम्मी पापा अनीता को हमेशा खुश रखना चाहते थे, इसीलिए वह उसे कभी बीच पर ले जाते और कभी पार्क में। पर अनीता खुश नहीं थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, अनीता अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और उसका ध्यान बाहर खेलते हुए बच्चों पर गया। उसने सपना देखा कि वो भी उन बच्चों के साथ बिना बैसाखी के खेल रही है। तभी अचानक से टीचर की आवाज आई और उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्पोर्ट्स डे। बच्चों, कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और सभी बच्चों को भाग लेना है। तभी भाग लेंगे, लेकिन अनीता को छोड़कर, क्योंकि वह तो चल ही नहीं सकती। ऐसे नहीं बोलते बबलू, चलो अनीता को सॉरी बोलो। सॉरी अनीता। स्कूल खत्म हुआ और उदास अनीता स्कूल ग्राउंड के पास आई। आसपास कोई नहीं था। उदास अनीता जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे लगा कि आवाज बेंच के नीचे से आ रही है और तभी उसने बेंच के नीचे झुक के देखा, एक कबूतर का बच्चा बेंच के नीचे फंसा हुआ था। तो तुम यहाँ हो? तुम शायद अपने घोंसले से गिर गए और यहाँ फंस गए। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। भाविका उस नन्हे कबूतर की मदद करने लगी। उसने उसे प्यार से उठाया और बेंच पर रख दिया। चलो अब अपने घर जाओ। अपने बच्चे को देखकर कबूतर की माँ बहुत खुश हुई। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर मम्मी कबूतर घोंसले के अंदर चली जाती है और अंदर से गोल्डन जूते लाती है। अनीता उन जूतों को देखकर बोली, मगर मैं इन जूतों का क्या करूं? मैं तो अपाहिज हूँ। ये तो जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम चल सकोगी, दौड़ सकोगी और जो चाहो वो कर सकोगी। सच में? अनीता ने जैसे ही वो जूते पहने वो अपने पैरों से चलने लगी। अनीता बहुत खुश हो गई। जूते पहनकर अनीता घर पहुंची। उसके मम्मी पापा पहली बार अपनी लाडली को चलता हुआ देखकर चौंक गए। वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। मम्मी, डैडी, मैं अब चल सकती हूँ। पर कैसे? इन जादुई जूतों की वजह से। मैंने एक नन्हे कबूतर की मदद की तो मम्मी कबूतर ने मुझे यह जादुई जूते तोहफे में दिए। अगले दिन अनीता स्पोर्ट्स डे में भाग लेने गई। सभी लोग अनीता को चलता देख चौंक गए। अनीता ने रेस में भाग लिया और जादुई जूतों के कारण वो जीत गई। मम्मी कबूतर का जादुई तोहफा, जादुई जूते, अनीता के जीवन का सबसे अच्छा तोहफा साबित हुआ। इसके बाद अनीता के पैर कभी नहीं रुके। वह नाचती और दौड़ती, वह भी बिना किसी की मदद के। अब अनीता अक्सर मम्मी कबूतर और उसके बच्चे से मिलने आया करती है। थैंक यू, आपके दिए हुए जादुई जूतों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं बिना किसी सहायता के जीवन जी सकती हूँ। अनीता का हर सपना अब सच हो गया था। वह चल सकती थी, भाग सकती थी, कूद सकती थी और तो और अब उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से खुद की मदद होती है।